ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। धन्यवाद देता हूँ आदरणीय सभापति महोदय। जब ये चर्चा चलती है कि अगला विश्व युद्ध पानी को लेकर होगा तो हम सबकी चिंता स्वाभाविक है। आज जिस तरह के हालात देश प्रदेश में बने हुए हैं, सतही जल की निरंतर कमी होती जा रही है, पानी की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है, मानसून बेरुखी पर है, जल स्रोत बदहाली पर हैं, साथ ही जल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है, तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि अब वह समय आ गया है कि भूजल को राष्ट्रीय संपदा घोषित किया जाए। वह समय आ गया है जब पानी चाहे सिंचाई का हो या पीने का हो, उसके लिए दीर्घकालीन योजना बनाई जाए। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के 33 जिलों में से 26 जिले डार्क जोन में आते हैं और उन 26 में से 12 जिले क्रिटिकल जोन में आते हैं। आदरणीय सभापति महोदय, अगर मैं बात करूं मेरे विधानसभा क्षेत्र मुंडावर की, तो वहां पर लगातार 2 साल से पानी की समस्याओं के लिए मैं निरंतर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय मंत्री जी से और सरकार के अधिकारियों से मिलता आया हूँ। सरकार के बड़े से बड़े अधिकारी से लेकर और छोटे अधिकारी आज यहाँ अधिकारी दीर्घा में उपस्थित हैं। माननीय मंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर मैं बात करूँ मेरे विधानसभा क्षेत्र मुंडावर के कुछ गांवों की, तो मुंडावर कस्बे के साथ साथ ततारपुर, बडली, इकरोटिया, नारेड़ी, सोरका खुर्द, मातोर, बिटोली, बड़ी, जिंदौली, कादरनंगला, खुशालबास, क्रूंद, अजीजपुर, बेहरोज, नांगल सिंगल का, खानपुर, मेवान, खरेटा, स्वेटा, सोरखा कला, चकोलिया, रैनागर, सबलगढ़, रायपुर, रानो, टेड़का, श्योपुर, पेल, ये ऐसे गांव हैं जहां पे पीने के स्रोत लगातार कम होते जा रहे हैं, नलकूप सूखते जा रहे हैं, सिंगल फेस थ्री फेस बोरिंग सूखते जा रहे हैं और इन गांवों के आसपास कोई भी पीने के भूजल स्रोत नहीं है। मैं कुछ देर पूर्व ACS साहब यहाँ पर बैठे हुए उनसे मिला था, आदरणीय मुख्यमंत्री से मैं इस प्रस्ताव को लेकर मिला था कि हमारे यहाँ पर साबी नदी, सोडावास कस्बे से साबी नदी निकलती है, साबी नदी के अंदर इतना पानी है कि आने वाले कुछ सालों तक, 10-15 सालों तक इन सभी गांवों को, 20-25 गांवों को उससे योजना बनाकर, JJM के तहत उसमें योजना बनाकर इन 20-25 गांवों कर वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था की जा सकती है। ACS साहब ने मेरे सामने आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब को फोन किया, चीफ इंजीनियर साहब को फोन किया, उन्होंने मेरे सामने उनको निर्देशित किया कि आने वाली 3 मार्च को जो JJM की मीटिंग होने वाली है, आप इन गांवों की योजना बनाकर, JJM के तहत इन गांवों की योजना बनाकर उस मीटिंग के अंदर प्रस्तुत करें। पर जहां तक मेरी सूचना है, इनकी अभी तक कोई भी योजना नहीं बनाई गई और ना ही उस मीटिंग के अंदर इनको रखा गया। तो आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे गांव है जहां पे पीने के पानी की इतनी ज्यादा किल्लत है। आज तो सरकार की वजह से किसान के नाम पर लोग हाईवे पर बैठे हुए हैं, पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कुछ दिन बाद ही गर्मी का माहौल जिस तरीके से बढ़ रहा है, मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग रोडों पर आएंगे और रोड ब्लॉक करेंगे, तब मैं यही सरकार हमारे विरुद्ध काम करेगी। आदरणीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र मुंडावर के अंदर शाजापुर और नीमराणा दो ऐसे बड़े कस्बे हैं जिसके अंदर औद्योगिक क्षेत्र है और आने वाले समय में औद्योगिक गतिविधियां और ज्यादा बढ़ने वाली है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन दोनों कस्बों को भी शीघ्र जल जीवन मिशन के तहत जोड़कर इन दोनों कस्बों को भी योजना बनाकर और जल जीवन मिशन में लाभान्वित किया जाए। आदरणीय सभापति महोदय, कुछ दिन पूर्व भी मैंने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से निवेदन करा था कि पंचायतों के जो पंचायत के अधीन आने वाली बोरिंग के कनेक्शन है वो काट दिए गए हैं। अब जब पानी की उपलब्धता ही बहुत कम है और पंचायतों के बोरिंग के कनेक्शन काट दिए गए हैं तो वहां पर पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। मैं आपके माध्यम से, जलदाय मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं और सौभाग्य की बात यह है कि वो खुद ऊर्जा मंत्री हैं, तो आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि उन कनेक्शन को पुनः वापस जोड़कर कम से कम उस क्षेत्र की जनता को, जहां पर पीने का पानी उपलब्ध है, उन क्षेत्र की जनता को लाभान्वित किया जाए। और उनसे एक और निवेदन और एक और आग्रह देना चाहूंगा, मेरा सुझाव देना चाहूंगा कि समय समय पर इन दोनों विभाग की, जलदाय विभाग की और ऊर्जा विभाग की, महीने के अंदर कम से कम एक जिला लेवल पर मीटिंग करी जाए, जिससे कि इन दोनों विभाग का सामंजस्य बनाए और आने वाले समय के अंदर जनता को लाभ मिल सके। आदरणीय सभापति महोदय, अभी थोड़ी देर पहले सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी चिंता जाहिर की थी। कंटीजेंसी प्लान बनाया जाता है, गर्मी के अंदर टैंकरों के माध्यम से सप्लाई की जाती है, पर जहां पे 20 टैंकर की सप्लाई की मांग होती है वहां पे 5 से 10 टैंकर सप्लाई किए जाते हैं। तो मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जिस टैंकरों के माध्यम से सरकार सप्लाई कराती है उसके अंदर GPS सिस्टम लगाया जाए, उनकी निगरानी के लिए उसके अंदर GPS सिस्टम इंस्टॉल किया जाए, जिससे उनकी गिनती प्रॉपर हो सके, मॉनिटरिंग प्रॉपर हो सके कि कितने टैंकर किस गांव के अंदर उस ठेकेदार ने सप्लाई करे हैं। माननीय सभापति महोदय, आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा, एक और सुझाव सरकार को देना चाहूंगा। सरकार गांव के अंदर सीवर लाइन सैंक्शन करती है,
जो पानी होता है व्यर्थ नालों के अंदर बहकर कहीं और नालों के अंदर बहकर निकल जाता है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहूँगा कि वाटर हार्वेस्टिंग का प्लान बनाया जाए, गाँव के अंदर भी कुएं खोद दी जाए जिससे कि वाटर हार्वेस्टिंग होगी तो ग्राउंड लेवल ऊपर आएगा और आने वाले समय के अंदर लोगों को लाभ मिलेगा। आदरणीय सभापति महोदय, कुछ दिन पूर्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा के अंदर 10 सोलर पंप की घोषणा करी थी। मैं जानना चाहूँगा कि 2019 के अंदर जिन सोलर पंप की घोषणा की गई, जिन सोलर पंप को मेरी अनुशंसा की गई, आज तक मेरे विधानसभा क्षेत्र में माननीय मंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, 10 में से कितने सोलर पंप 2 साल के अंदर मेरे विधानसभा क्षेत्र में चालू हो गए हैं आपको बताना चाहूँगा। एक जगह एक गाँव तो मेरे विधानसभा क्षेत्र का ऐसा है जहाँ पे किसी भी व्यक्ति ने अपनी जमीन दान नहीं करी, मेरे कहने से एक व्यक्ति ने अपनी जमीन दान करी, 10x10 की अपनी जमीन दान करी, उसके बाद गांव के लोग विरोध में उतर कर आगे के साहब इसकी जगह यहां पर सोलर पंप नहीं लगना चाहिए, हम आपको दूसरी जमीन दे देंगे। 2 महीने बाद वो लोग वहां पर आए, मेरे पास आए, मैं कहा भाई एक व्यक्ति ने मेरे कहने से जब जमीन दान कर दी और अब उसकी जमीन पंचायत की हो गई, तो मैं उसकी जमीन में वो सोलर पंप नहीं लगवाता उसकी बेइज्जती है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हलमड़ा खुर्द ऐसा गांव है जिसके अंदर वहां पर 10x10 की एक व्यक्ति के द्वारा जमीन दान करी गई है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार के मंत्री एससीए साहब यहां पर बैठे हुए हैं और एक्सीएन साहब को एससी साहब को निर्देशित करें कि उस व्यक्ति की जमीन के अंदर वहां पर सोलर हैंडपंप लगाया जाए। आपके माध्यम से एक आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। 2019 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलवर भरतपुर और धौलपुर के लिए चंबल अलवर परियोजना के तहत 14 कस्बों और 3072 गाँव के लिए योजना बनाई थी। मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से 2 साल के अंदर इस योजना पर कितना काम हुआ है और हाल ही में की गई बजट घोषणा के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसरदा बांध से हमारे क्षेत्र के अंदर उमरैन, रैणी, बांसुर, थानागाजी, राजगढ़, कठुमर, लक्ष्मण और बांसुर के 4 कस्बे और 1061 गाँव के लिए योजना बनाई है। तो मैं जानना चाहूंगा क्या 2 साल पहले पूर्व की गई योजना लुभावने थी कि ये की गई योजना लुभावनी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, मेरी एक ही प्रार्थना है, चाहे 5 साल का जो बजट एक एमएलए लैंड के तौर पर मुझे मिलता है सरकार पूरा ले ले, मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए लोगों को सिर्फ पेयजल की आपूर्ति कर दे, मैं एक भी रुपए इनसे मांगना नहीं चाहूंगा। आपने मुझे मोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।